हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो औकलच के अनुप्रयोग के इस लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक सूत्र पढ़ने हैं, तो वही आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस अभ्यास में कौन कौन से सूत्र आपके लिए आवश्यक है? महत्वपूर्ण सूत्र, तो सबसे पहला ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग किसी वक्र के जो है किसी दिए गए बिंदु पर प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे वक्र किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता को हम लोग लिखते हैं स्मॉल m से, बराबर हो जाएगा dy/dx, बिंदु यहाँ पर है x1, y1। तो किसी वक्र के बिंदु x1, y1 पर जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी m बराबर dy/dx, यहाँ पर x1, y1। इसके अलावा ये हो गई प्रवणता। अगर आपको यहाँ पर ढाल ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा की, तो ढाल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं टेन थीटा, बराबर होता है dy/dx, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा x1, y1 इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग यूज करते हैं y-y1 बराबर होता है dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा x1, y1, इसके बाद x-x1 इस प्रकार से। आप इसी सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि y-y1 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्रवणता है, यानी कि इसके जगह पे लिख दीजिए m x-x1। तो आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा, यहाँ पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, ध्यान दीजिए अभिलंब का समीकरण आप लिख सकते हैं dy/dx x1, y1, यहाँ पर होता है y-y1 + x-x1 बराबर 0 इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर आप इसी सूत्र को ऐसा लिख सकते हैं y-y1 बराबर -1/dy/dx, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा x1, y1 और यहाँ पर x-x1, यानी कि इस समीकरण को भी आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर इसकी जगह पे आप प्रवणता यूज कर दीजिए, यानी कि इसे ऐसा लिख दीजिए y-y1 बराबर -1/, इसकी जगह पे हो जाएगा m x-x1 इस प्रकार से, इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ पर यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो dy/dx बराबर 0। ये याद रखना है कि अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो वहां पर dy/dx जो होगा इसका मान 0 हो जाएगा। इसके अलावा यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है, तो dx/dy बराबर 0। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो dy/dx बराबर 0 होता है, और अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है तो यहां पर फिर dx/dy बराबर 0 हो जाएगा। तो ये यहां पर आपको बेसिक सूत्र जो है याद रखने हैं, तो इन्हें हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वक्र, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया गया है वक्र y=3x⁴, इसके बाद -4x, इतना है कि जो है यहाँ पर दिया गया है x=4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका
अवकलन कर दीजिए। जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये चार आगे आएगा, तो चार तेई 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की पावर में हम लोग एन माइनस वन करते हैं, तो चार माइनस एक करेंगे तो ये हो जाएगा तीन, माइनस यहाँ पर आ जाएगा चार, एक्स का अवकलन यहाँ पर हो जाएगा वन। अब इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, इसे हम लोग लिखते हैं एम से। एम बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर एक्स का मान दिया गया है यानी कि एक्स बराबर चार। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। अब इसमें हम लोग एक्स की जगह पे चार रखेंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुणे इसकी जगह मान रखेंगे तो चार की घात तीन माइनस चार इतना होगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 12 गुणे यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो चार चौक 16, 16 चौको 64 माइनस चार इतना हो जाएगा। इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, इसके बाद 12 छंक 72, 72 और 4 मिलके हो जाएगा 76 माइनस 4, इससे हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 764। तो ये यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है वक्र y बराबर एक्स माइनस वन और बटे में दिया गया है एक्स माइनस टू इतना है, और आगे बता दिया गया कि x इज नॉट इक्वल टू, कि यहाँ पर जो है x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है आपको x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, सेम जैसे भी आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताया गया था उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवकलन के लिए ये आपका पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है, यानी कि दो फंक्शन यहाँ पर बटे में दिए गए हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसका अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर जब हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए पहले दूसरा फंक्शन बाहर रहता है यानी कि x माइनस टू बाहर रहेगा, इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स एक्स माइनस वन, फिर माइनस लगाएंगे, इसके बाद x माइनस वन बाहर रहेगा, अवकलन यहाँ पर हम लोग दूसरे फंक्शन का यानी कि x माइनस टू का करेंगे और बटे में x माइनस टू का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इतना हुआ। इसका जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और 1 का अवकलन हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का अवकलन हो जाएगा 1 और 2 का अवकलन हो जाएगा 0, बटे में यहाँ पर है x माइनस टू का होल स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये यह आएगा x माइनस टू, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, इसके बाद माइनस, इसमें 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का x और ये माइनस 1 दिया गया तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर ये और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 से 1 घटाएंगे तो ये आएगा फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 और बटे में हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये हो जाएगी m बराबर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर कितना दिया गया है 10, इस पर ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 10 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 1 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 बट्टे यहाँ पर 10 से 2 घटाएंगे ये आएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है यहाँ पर कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इतना दिया गया है, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। यहाँ पर x निर्देशांक आपको दिया गया यानी कि x का मान आपको 2 दिया गया है और y यानी कि वक्र इतना दिया गया है, इसका आप अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा 1 और 1 का अवकलन हो जाएगा 0। आपको ज्ञात करना है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता इस प्रकार से m बराबर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान रखेंगे 3 गुणे x की जगह पे ये मान रख दिया जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1,
ये हो जाएगा 3 गुणे इसका वर्ग करेंगे 4 माइनस 6, यानी कि ये हो जाएगा 4 से 12 और 12 से 1 घटाएंगे तो 11, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सेम इसी प्रकार से है, अब इसे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया यहाँ पर वक्र एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा, इसके बाद दिया गया है वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा, इतना दिया गया है और आगे लिखा है कि थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस बार यहाँ पर आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है थीटा बराबर पाई बाई 4 पर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका अवकलन हम लोग करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो जब इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष किया जाएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा ए, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे आप एक्स की पावर एन मान के चलिए, तो एक्स की पावर एन के अनुसार करेंगे तो पहले एन आगे लिखा जाएगा यानी कि 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होगा। इसके बाद कॉस थीटा का अवकलन हम लोग फिर से करेंगे, इसमें जब कॉस का अवकलन दोबारा किया जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन थीटा, तो ये इतना आ गया, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी थीटा बराबर माइनस का 3 ए, इसके बाद हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसका भी अवकलन आप थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर, यहाँ पर ए इसे आप एक्स की पावर एन मान के चलिए, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा बराबर 3 ए कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, तो अब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए इसको जो है इससे भाग करना होगा, यानी कि यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, इसको जो हम लोग इससे भाग कर देंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप 3 ए कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे में आप ये वाला मान रखेंगे, यानी कि माइनस 3 ए साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 ए से 3 ए कट जाएगा, यहाँ पर एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचा साइन बटे कॉस माइनस साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि बराबर आप इसे लिख सकते हैं माइनस का टेन थीटा, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता इसका सूत्र होता है यहाँ पर माइनस वन बटे डी वाई बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है थीटा बराबर पाई बाई 4, इस पर ज्ञात करना है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 बटे माइनस इतना होगा, इसका हम लोग मान रखेंगे तो इसका मान है टेन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिए माइनस टेन है तो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा टेन, इसके बाद थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान है पाई बाई 4, इस प्रकार से इतना हुआ, यानी कि 1 बटे टेन 45, पाई बाई 4 का मतलब टेन 45, इसका मान होता है 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ये यहाँ पर जो है अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम इसी प्रकार से दिया गया है और उसमें थीटा बराबर पाई बाई 2 पर जो है अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है कि वक्र वाई बराबर एक्स क्यूब, इसके बाद है माइनस 3x स्क्वायर, फिर है माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। यहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो x अक्ष के समांतर हैं, सबसे पहले तो आपको इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर ये आएगा 3x स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा यानी कि 2 तिहाई 6 एक्स माइनस, यहाँ पर इसका अवकलन आएगा 9, एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है,
एक्स अक्ष के समांतर है तो इसके लिए आपको सूत्र बताया गया है डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाता है जीरो। अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना होता है जीरो, ये आपको अभी बताया गया था। तो इसकी जगह पी वाला मान रख दीजिए, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नौ बराबर जीरो। इसमें हम लोग तीन कॉमन लेंगे, जो तीन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस तीन दूनी छः, इतना हो जाएगा यहाँ पर तीन त्रिक्का नौ बराबर जीरो। तीन इधर जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। अब यहाँ पर तीन के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर दो आ जाए, यानी कि तीन एक कम तीन करेंगे और तीन से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर इस दो को आप लिखेंगे तीन माइनस एक, तीन से एक घटाएंगे तो दो आ जाएगा, एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस तीन बराबर जीरो। इन दोनों में x कॉमन यहाँ पर हो जाएगा x माइनस थ्री, इन दोनों में वन कॉमन x माइनस थ्री बराबर जीरो, यानी कि ये आएगा x माइनस थ्री और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वन बराबर जीरो। तो यदि x माइनस तीन बराबर जीरो तो x बराबर कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा। इसके बाद यदि x प्लस वन बराबर जीरो तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस वन, यानी कि x के दो मान आए, एक तीन आया दूसरा आया है माइनस वन। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यदि x बराबर माइनस वन तो y बराबर, अब ध्यान दीजिए जो x का मान आया है वो हम लोग इसमें रखेंगे, जो आपको ये दिया गया था इसमें आपको x का मान रखना है। तो अब ये हो जाएगा y बराबर x की जगह पे आप लिखेंगे माइनस वन, तो माइनस वन की घात तीन, इसके बाद हो जाएगा माइनस तीन यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, इसके बाद माइनस नौ एक्स की जगह पे लिखेंगे आप माइनस वन, इतना हो जाएगा और प्लस सेवन यानी कि वाई बराबर यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये आएगा माइनस वन, इसके बाद इसका वर्क करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तीन माइनस माइनस प्लस का नौ प्लस सात वाई बराबर तीन एक चार, ये माइनस का चार, नौ और सात मिलके हो जाएगा सोलह, सोलह से चार घटा देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा बारह। यानी कि यहाँ पर ये बिंदु आएगा, ध्यान दीजिए एक्स का मान है माइनस वन और वाई का मान आ गया बारह, तो एक बिंदु आपका ये आ गया, एक आंसर हो गया। इसके अलावा दूसरा ध्यान दीजिए, यदि एक्स बराबर तीन तो वाई बराबर, अब यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग तीन रखेंगे तो तीन की घात तीन हो जाएगा, इसके बाद माइनस तीन गुणे एक्स की जगह फिर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तीन का स्क्वायर माइनस नौ गुणे एक्स की जगह पे तीन हो जाएगा और प्लस सात, यानी कि वाई बराबर तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस, यहाँ पर भी तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस, नौ त्रिक सत्ताईस प्लस सात। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर यहाँ पर माइनस सत्ताईस से सात घट जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का बीस, यानी कि बिंदु आएगा यहाँ पर एक्स का मान है तीन और वाई का मान है माइनस बीस, तो एक बिंदु ये आ गया, तो ये दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर एट, इसमें दिया गया है कि वक्र वाई बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर जो है स्पर्श रेखा बिंदुओं दो कॉमा जीरो और इसके अलावा दिया गया है चार कॉमा चार को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के जो है ये वाली रेखा यहाँ पर समांतर है, तो यहाँ पर आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको इसका अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर आएगा टू एक्स माइनस टू, इतना आ जाएगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा टू एक्स माइनस टू, इतना हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, इससे मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे,
प्रवणता बराबर y2 टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। इसमें मान रखेंगे तो y2 का मान है 4, y1 का मान है 0 बटे एक्स टू का मान है 4 और एक्स वन का मान है 2, यानी कि ये आएगा 4 और बटे में आएगा 2, बराबर आ जाएगा 2। तो ये आ गई प्रवणता। तो इसमें आगे आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वक्र पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर है, यानी कि इसका मान यहाँ पर आया 2 एक्स माइनस 2, इसका मान किसके बराबर है 2 के बराबर है, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 बराबर यहाँ पर 1, यानी कि एक्स बराबर ये उधर जाएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 3। ये वाला मान हम लोग इस वक्र में रखेंगे तो वाई बराबर एक्स की जगह पे 3 रखिए इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 से 2 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पर ये आ जाएगा बिंदु, x का मान हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा 1, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इतना दिया गया, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर रेखा जो है y बराबर एक्स माइनस 11 है, यानी कि आपको इस पर बिंदु बताना है जिस पर रेखा जो है इतनी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो दी गई है आपको रेखा, सबसे पहले अपन लोग ज्ञात करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इसका अवकलन कर दीजिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 11, इसके अलावा एक्स का अवकलन 1 और इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दीजिए, से तुलना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रवणता आ जाएगी फिर एम बराबर 1, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर कितना है 1, तो प्रवणता यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1। और आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इस वक्र की जो प्रवणता है वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3x स्क्वायर बराबर माइनस 11 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 11 और 1 मिलके 12 हो जाएगा, यानी कि 3 चौक 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो एक्स के यहाँ पर 2 मान आए हैं, तो यदि एक्स बराबर 2, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग एक्स का मान रखेंगे, वाई बराबर अगर इसकी जगह हम लोग 2 रखते हैं तो 2 की घात 3 माइनस 11 गुणे 2 और प्लस हो जाएगा 5, यानी कि वाई बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 11 दूनी 22 और प्लस 5, तो 8 और 5 मिलके हो जाएंगे 13, 13 से यहाँ पर हम लोग 22 घटाएंगे, यानी कि माइनस 22 13 घटाना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फिर माइनस का 9, इतना आ गया, यानी कि बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे, ध्यान दीजिए x का मान है 2 और y का मान आ गया माइनस 9, तो एक बिंदु ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यदि x बराबर माइनस 2 तो y बराबर, अब इसमें हम लोग माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 की घात 3 माइनस 11 गुणे माइनस 2 इसकी जगह पे हो जाएगा और प्लस 5, यानी कि y बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा माइनस 8, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 प्लस 5, यानी कि y बराबर माइनस 8, 22 और 5 मिलके हो जाएंगे 27, y बराबर यहाँ पर 27 से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 19, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए बिंदु आप बताएंगे x का मान है माइनस 2, इसके बाद y का मान है 19, तो एक बिंदु आपका यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको रेखा दी गई है y बराबर एक्स माइनस 11, इतना है, तो अगर यहाँ पर हम लोग ये बिंदु इसमें रखें, यानी कि यदि 2 कॉमा माइनस 9, तो अब ध्यान दीजिए ये आपका x है और ये y है, अगर इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर, इधर ध्यान दीजिए 2 माइनस 11 बराबर माइनस 9, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग ये वाला बिंदु रखेंगे माइनस 2 कॉमा 19, तो ये आपका x है ये y है, इसको रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 19,
इधर मान रखेंगे तो माइनस दो माइनस ग्यारह मिल के आ जाएगा माइनस तेरह। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बराबर नहीं है, यानी कि ये बिंदु जो है इस रेखा को संतुष्ट नहीं करता है, लेकिन ये बिंदु जो है इस रेखा को संतुष्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर ये होगा। आप बताएंगे यहाँ पर कि बिंदु दो कॉमा माइनस नौ रेखा को संतुष्ट करता है, अतः बिंदु दो कॉमा माइनस नौ, तो ये यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है प्रवणता माइनस एक। यहाँ पर प्रवणता आपको बता दी गई, यानी कि m बराबर आपको दिया गया माइनस वन वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र, यहाँ पर आपको वक्र दिया गया है y बराबर एक बटे एक्स माइनस वन को स्पर्श करती हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका अवकलन कर दीजिए, dy वाई बाई डी एक्स बराबर, ये आपका पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन यहाँ पर बाहर रहेगा। पहले फंक्शन का अवकलन करेंगे तो वन का अवकलन जीरो हो जाएगा। दोबारा में पहला फंक्शन बाहर रहेगा, इसका अवकलन करना है तो एक्स का अवकलन वन, वन का अवकलन जीरो, बटे में हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए पूरा जीरो हो गया, यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस का वन, बटे में हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि वक्र जो आपको दिया गया है, यानी कि y बराबर वन बटे एक्स माइनस वन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर माइनस वन, क्योंकि इसके बराबर है, पहले ही आपको बताया गया था। तो अब ध्यान दीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस वन बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर आएगा वन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस वन, ध्यान दीजिए स्क्वायर लगा है, तो जब इधर स्क्वायर जाएगा तो ये अंडर रूट वन हो जाएगा, यानी कि x माइनस वन बराबर प्लस माइनस वन। तो यदि x माइनस वन बराबर प्लस वन, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग प्लस वन लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, इतना आएगा। और यहाँ पर अब ध्यान दीजिए x बराबर कितना आ गया, दो। अगर x बराबर दो आ गया है तो अब दूसरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि x माइनस वन बराबर माइनस वन, अगर यहाँ पर माइनस वन लेंगे तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा इस समय। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि x बराबर दो तो y बराबर, अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग x का मान रखेंगे तो वन बटे, यहाँ पर x का मान दो रखेंगे तो दो माइनस एक, दो माइनस एक यानी कि वन बटे दो से एक घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक, यानी कि y बराबर कितना आ गया, एक, यानी कि बिंदु यहाँ पर आ जाएगा दो कॉमा एक, इतना आ गया। अब इस पर हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, सूत्र होता है वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो अब ध्यान दीजिए ये आपका है एक्स वन वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन की जगह पे हो जाएगा वन, एम का मान आपको दिया गया है माइनस वन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन का मान है दो, यानी कि वाई माइनस वन बराबर इसका गुणा कर दीजिए माइनस एक्स, इसमें गुणा होगा प्लस दो। अब ये इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा एक्स, इसके अलावा प्लस में हो जाएगा वाई। अब ध्यान दीजिए वन आप दूसरी तरफ ले जाइए तो बराबर में ये माइनस वन है उधर जाएगा तो प्लस तीन हो जाएगा, ये उधर जाने पर प्लस वन होगा, प्लस वन और दो मिलकर कितना हो जाएगा तीन, यानी कि ये ऐसा आ जाएगा। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, तो ये यहाँ पर एक आंसर हो गया इसका। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्स बराबर दो लिया है, अब आपको लेना है एक्स बराबर जीरो, तो वाई बराबर, अब ध्यान दीजिए वन बटे, यहाँ पर एक्स की जगह पर जीरो रखिए तो जीरो माइनस वन, यानी कि बराबर ये आ जाएगा माइनस वन, यानी कि बिंदु यहाँ पर हो जाएगा आपकी बार जीरो कॉमा माइनस वन। अब इस पर आपको स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पर्श रेखा, तो सेम यही सूत्र यूज करना है वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका एक्स वन, ये वाई वन, वाई वन की जगह पर माइनस वन रखेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा,
एम के जगह पे माइनस वन ये आपको दिया गया है। इसके बाद एक्स माइनस एक्स वन का मान ज़ीरो, ये इतना हो जाएगा। यानी कि इससे आप लिख सकते हैं वाई प्लस वन बराबर ये इधर माइनस एक्स, यानी कि अगर इधर इसे ले आए तो एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर ज़ीरो, एक समीकरण आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।